हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल फिर से एक आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं मोटो के G42 का फुल डिटेल रिव्यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्लिपकार्ट के माध्यम से लॉन्च कर दिया गया है और इसका प्राइस 12,999 रुपये रखा गया, तो इसका मैं फुल डिटेल रिव्यू करके आप लोग को बतलाने वाला हूँ कि फ़ोन परचेस करना चाहिए या नहीं, ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी होने वाला है या नहीं। और यदि आप लोग इस फोन का अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो इसका अनबॉक्सिंग वीडियो का जरूर डाल दूंगा। चलिए फटाफट से करते हुए वीडियो को शुरू, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फटाफट से करते शुरू। बात करते हैं मोटो के G42 का, तो इसमें आपको एक ही सेगमेंट देखने को मिलेगा 4G 64GB का। इसमें कम से कम एक और देना चाहिए था 6G 128GB। तो 4G 64GB का वैसे तो प्राइस 13,999 रुपये है, बट आपको ऑफर में ये 12,999 रुपये में देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं इस फोन में तो दो कलर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ग्रीन एंड रोज कलर में। अब बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया जाता है, 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आता है, तो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है, डिस्प्ले में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बात करते हैं तो इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया हुआ है, और बैक में आपको प्लास्टिक पैक मिलेगा, IP52 का सपोर्ट मिलता है, जिस कारण से आप लोग हल्का फुल्का पानी का बूंद अगर पड़ता है बारिश वगैरह का तो फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये चीज़ काफ़ी अच्छा दिया गया है, और फ़ोन आपको अब काफ़ी पतला मिलता है, स्लिम फ़ोन है, 172 ग्राम इसका नेट वेट वजन है, तो काफ़ी अच्छा फ़ोन होने वाला है। बात करते हैं यदि आप लोग गाना वगैरह के शौकीन हैं तो इसे आपको डोल स्टूडियो स्पीकर दिया गया है, तो म्यूजिक वगैरह बजाइएगा तो काफ़ी अच्छा साउंड इसका निकल कर बाहर आता है। अब बात कर लेते हैं कैमरा की, तो कैमरा आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है 50+8+2 का, तो काफ़ी अच्छा कैमरा क्वालिटी के मामले में मोटो कभी पीछे नहीं रहा, तो कैमरा क्वालिटी इसमें काफ़ी अच्छा है। अब फ्रंट बात करते हैं तो आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, तो इस प्राइस सेगमेंट में यदि देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कैमरा फोन होने वाला है। और यदि आप लोग गेमिंग लवर है तो भी ये फोन परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको प्रोसेसर दिया जाता है कॉलकॉम का Snapdragon 680, जो कि 6 नैनोमीटर पर वर्क करता है, और ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। इसका अंततः स्कोर 4,34,000 कुछ निकल करके बाहर आता है, तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा होने वाला। आप हैवी टास्क कीजिए, गेमिंग कीजिए, या फिर गाना म्यूजिक जो करना है, कैमरा के शौकीन है, तो ऑल इन वन ये मास्टर फोन होने वाला है। लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अब बात कर लेते हैं इसे बैटरी की, तो 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है और 20 वाट फास्ट चार्जिंग दिया है, तो भैया सुपर एमोलेड होने के कारण इसमें बैटरी बैकअप काफ़ी तगड़ा मिलेगा, प्लस आपको कॉलकॉम का 680 प्रोसेसर मिल रहा है, तो बैटरी बैकअप का तो चिंता ही छोड़ दीजिए, ना इसमें आपको कैमरा का झंझट है, ना प्रोसेसर का, ना बैटरी का, तो आँख मूंद करके ये फोन परचेस कर सकते हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आप लोग अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं जरूर इसका अनबॉक्स वीडियो नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा।